नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में एक से एक अनोखी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बिहार अपने साथ काफी सारी विविधताओं को समेटे हुए है। विविधताओं के मामले में बिहार कई सालों से अपने पास कई ऐतिहासिक चीजों को संजो कर रखने में कामयाब रहा है, जिसमें ही कई लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। वहीं बात जब खाने की हो तो इस मामले में भी बिहार के लोगों का और बिहार के व्यंजनों का कोई तोड़ नहीं है। रेस्टोरेंट भी ऐसे कि हर कोई खाने से पहले उसके अंदर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें एक नाम पटना के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पिंड बलूची का भी है, जो रोटेट होता रहता है। ऐसे में इन अनोखे रेस्टोरेंट के बीच एक नाम और अब जल्द ही जुड़ने वाला है, जिसके तहत ही बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जो कि हवाई जहाज के अंदर होगा, यानी कि आप जमीन पर हवाई जहाज का आनंद ले सकेंगे। वैसे तो मुजफ्फरपुर में लोग वर्षों से एरोप्लेन में उड़ने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना आज तक पूरा नहीं हो सका है। वो अलग बात है कि मुजफ्फरपुर के लोग आज तक प्लेन में बैठे नहीं है, लेकिन अब वो प्लेन में बैठकर खाना जरूर खा सकते हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये करिश्मा हुआ कहाँ है, कहाँ पर लोग अब हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने वाले हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सुविधा मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर में एक होटल कंपनी एरोप्लेन रेस्टोरेंट का निर्माण कर रही है। अनोखी बात यह है कि यह रेस्टोरेंट एक पुराने प्लेन में बनाया जा रहा है, जिसे कोयम्बटूर से लाया गया है। होटल व्यवसायी साकेत शाही ने इस नए रेस्टोरेंट के बारे में कई जानकारी भी साझा की है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में हवाई जहाज का सपना था, लेकिन पता ही में एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद अब शहर में एरोप्लेन रेस्टोरेंट बन रहा है, जहां लोग बैठकर खाना खा सकेंगे। बताया जा रहा है कि एरोप्लेन होटल 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि ये एरोप्लेन NEPC एयरलाइन का है, जो साउथ इंडिया का एक मशहूर एयरलाइन कंपनी है, जो 1992 से 1997 के बीच उड़ान भरती थी। ज्ञात हो कि बीते काफी समय से ये जहाज कोयम्बटूर में ऐसी ही पड़ी हुई थी, जिसके बाद होटल कंपनी ने इसे खरीद लिया है और मुजफ्फरपुर लेकर आई है। मुजफ्फरपुर में जब से ये हवाई जहाज आया है, इसे देखने वालों की भीड़ भी लगने लगी है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और इसके साथ सेल्फी लेते हैं। हालांकि इस नई पहल से अब लोग काफी उत्साहित हैं कि भले ही जिले में जहाज से यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध फिलहाल ना हो, लेकिन अब जहाज में बैठकर खाना खाने को जरूर मिलेगा। साथ ही इस नई सोच को देखने और इसका स्वाद चखने के लिए भी लोग काफी उत्साहित है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।